हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जॉय ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है गाइस। तो दो दिन पहले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था गोहारी डिस्ट्रिक्ट कैडी चैम्पियनशिप का, तो उसका जो सेकेंड पार्ट था आप लोगों को मैं देखा नहीं पाई उस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए इसका मैंने सेकेंड पार्ट रखा था। तो लड़का जो खेलने के बाद हम लोग कहाँ पर गए और कहाँ पर लंच किया, क्या ख़रीदा, तो इस ब्लॉग के जरिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ, कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो आज हम लोग लंच करने के लिए आए हैं खोरिका रेस्टोरेंट में। तो आप लोग सोच रहे हो ये खोरिका क्या है, तो मैं बोल देती हूँ गाइस, खोरिका जो है एक रेस्टोरेंट है जो जहाँ पर आपको आसामीज डिशेस यहाँ पे मिलेगा, वो भी रिजनेबल प्राइस में, जो हर कोई एफर्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ का खाना, तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है हम खोरिका पे ही आके खाते हैं। मेरा तो ऑलरेडी भूख लग रहा था, तो खाना देखने के बाद तो और रुका नहीं जा रहा है, मैं तो खाना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छे से पेट पूजा करने के बाद अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, चलो दिखाती हूँ गाइस। तो देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये है सिटी सेंटर जो गुवाहाटी के अंदर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ जितना बड़ा मॉल है उतना छोटा सामान हम खरीदने गए हैं यहाँ पे। तो देख लो गाइस, ये सब परफ्यूम के बॉटल्स हैं जो आपको जैसा मर्जी आपको चाहिए बना के, ये सुंदर सुंदर लड़की आपको बना के दे देंगी, और फ्री ट्रायल भी दे रही थी इसलिए हम लोग फ्री में ट्राई करने के लिए चले गए। तो फ्री वाला चीज़ यूज़ करने के बाद हम लोग वहाँ से चले आए, क्योंकि ख़रीदना तो नहीं था इसलिए। तो चलो गाइस चाइना घूमने जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो स्टोर में जाके क्या पागल वागल हो गई है, क्या चाइना चाइना जा रही हो ऐसे बोल रही है। तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे जितना भी आपको कलेक्शन मिलेगा सब चाइना का है, और इस स्टोर का नाम है मिनीसो, जहाँ पे आपको प्राइस रेंज बहुत बहुत ज़्यादा है। एक क्लिप का दाम आपको 100 से 200 500 तक का मिलेगा, एक रबर बैंड का दाम आपको 300 से 400 तक का मिलेगा, कम का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सब कुछ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लेने के लिए नहीं, देखने के लिए गई हूँ, आप लोग ऐसे सोच रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, हमने भी शॉपिंग किया है भाई, हमने भी 3-4 ऐसे सामान खरीदा है चाइना वाला जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन रखा है लड़की लोगों के लिए, तो एक दो सामान खरीदने में मुझे तो 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि बाकी टाइम तो आपका देखने में ही चले जाते हैं, क्योंकि ख़रीद तो नहीं पाती हूँ इसलिए देख के ही खुश हो जाती हूँ भाई, क्या करूँ, नसीब ही ऐसा है मेरा। तो देखो इस साइड में ये दोनों भाई अपना स्टॉक लगा रहे थे, तो उस साइड में इतना प्यारा प्यारा सॉफ्टवेयर था, सॉफ्ट टॉय था, गलती से मुँह से निकल गया। तो फाइनली गाइस मैंने शॉपिंग कर लिया है, 2-3 घंटा घूमने के बाद 3 सामान लिया है, वो भी रो रो के लिया है भाई। और देखो इतना भीड़ है, क्योंकि संडे है ना, सबके पास पैसा है तो सब खरीदने के लिए आए हैं चाइना का माल, और हमने 200-300 फ़ोटो भी खींच लिया है। उसके बाद हम लोग निकल ही रहे थे कि तूफ़ान आ गया, और ये बच्चा तो गाड़ी के अंदर ही तूफ़ान मचा रहा है, ऐसा कर रहा है कि गाड़ी तोड़ देगा वो एकदम। गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
लाइक कमेंट एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आया फिर भी लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूब वाले तो मेरे लिए आंखें बंद कर दिया है, क्योंकि ना मेरा चैनल मोनेटाइज कर रहा ना कुछ कर रहा है। मैं खामखा नेट का पैसा बर्बाद कर रही हूँ, वीडियो बना बना के थक गई हूँ।